सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूमसेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम सीखेंगे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। इंटरव्यू से जुड़े कुछ सवालों के जवाब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल होता है यहीं पर आदमी अटक जाता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जब आप फ्रेम हाइट बनाते हैं पी कनाल में, ये मैं पी कनाल की बात कर रहा हूँ, तो कितने एनएम का टार्क लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 NM का टार्क लगता है। रीड बोल्ट टाइट करने में 9 NM का टार्क लगता है। सेड अमाउंट बनाने में 22 NM का टार्क लगता है। बीम बोल्ट टाइट करने के लिए 70 NM का लगता है। 8 का एलन टाइट करने के लिए 80 का लगता है और 10 का टाइट करने के लिए 120 NM का टार्क लगता है। तो टार्क के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आदमी यहीं पर फंसता है क्योंकि इसके बारे में आदमी को काफ़ी कुछ नॉलेज होता नहीं, क्योंकि कंपनियों में क्या रहता है कि जब नया मशीन रहता है तब तो टार्क देते हैं, इसके बाद में वो टार्क देना बंद कर देते हैं, बोलेंगे एलएम की सही काम करो, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछ लिया करते हैं, तो आदमी यहीं पर फंस जाता है। तो इसलिए ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा सवाल में आप लोग फंस सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यहीं पर होता है, एंटी स्टार्टिंग मार्क के कुछ फंक्शन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर आदमी फंसता है। कि जैसे पूछ लिया जाता है कि ये MP क्या होता है, ASP क्या होता है, ASO क्या होता है, WLC क्या होता है, ठीक है ना, इसी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहीं पर आदमी क्या होता है, अटक जाता है, याद तो रहता है लेकिन वो भूल जाता है। तो चलिए इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म होता क्या है, इनको बोलते क्या हैं। तो ये हो गया ASO का मतलब, ठीक है ना। ASO का मतलब होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफसेट, ठीक। ये हो गया ASP का मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट पोजीशन, ठीक। और ये हो गया AMP का मतलब, AMP का मतलब हो गया ऑटोमेटिक मोशन पोजीशन, ठीक है ना, ठीक है। और जो WLC का मतलब होता है, तो WLC का भी यहीं पर है लेकिन ये हो गया, ठीक है ना। WLC का मतलब होता है वार्प लेंथ कंट्रोल आफ्टर ब्रेक। AC का मतलब होता है आफ्टर ब्रेक, तो वार्प लेंथ कंट्रोल ही होता है, ठीक। WLC का फुल फॉर्म होता है वार्प लेंथ कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये होता है उसका फुल फॉर्म। जब फुल फॉर्म हमको याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, तो यहीं पर हमको आदमी फंस जाता है और इंटरव्यू देने में दिक्कत जाती है।